भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार होगा कांग्रेस में शामिल। मोदी शाह के उड़े होश। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर दांव चलने को तैयार हैं। इसी बीच कई भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें चली आ रही हैं। पिछले दिनों पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा को लेकर ऐसी ही खबरें चल रही हैं, जिसने भाजपा संगठन के नेताओं की नींद उड़ा दी है। बता दें, चर्चा है कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता संगठन और सरकार में अहम रोल न मिलने से आने वाले दिनों में बगावत कर सकते हैं। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा का नाम बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं की सूची में दीपक जोशी के बाद दूसरे नंबर पर है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस साल पहले ही पार्टी को अपनी इच्छा बता दी है, अब संगठन को इस संबंध में निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता हूं, तो ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।